माता अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष का दायित्व अभिजीत ठाकुर को दिया गया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अभिजीत ठाकुर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व उन्हें दिया है उसे वह कुशलता से निभाने का प्रयास करेंगे और साथ ही समस्त युवा साथियों के साथ मिलकर नशा मुक्ति एवं ब्लड कैंप शिविर के साथ पर्यावरण से जोड़ते हुए कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, विधायक रमेश मेंदोला, पार्षद राजेंद्र राठौर, भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र व्यास सहित पार्टी के समस्त पदाधिकारी का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि पार्टी का जन समर्थन बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठाकुर साहब, जिस प्रकार से मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला है, किस प्रकार का जन प्रतिनिधि का आभार व्यक्त करना चाहेंगे और आपके किस प्रकार के विकास कार्य शहर इंदौर के लिए रहेंगे? जी, मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला है, जिसके लिए मैं हमारे आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक रमेश जी मेंदोला, MIC सदस्य एवं वरिष्ठ पार्षद श्री राजेंद्र राठौर जी, हमारी पार्षद श्री पूजा पाटीदार जी, पार्षद श्रीमती सीमा संजय चौधरी जी, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत दुबे जी, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनने मुझे इस लायक समझा और इस पद पे मुझे बिठाया। उसके बाद युवा मोर्चा को मैं जो है वो जनाधार से जोड़ना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े और हम आगे जो है बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, जैसे इसमें रक्तदान शिविर करेंगे, हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम करेंगे ताकि युवा हमसे जुड़े। अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि युवा जो है वो नशे के प्रति ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उसके लिए भी युवाओं की बैठक लेंगे कि नशे को है उसको रोका जाए। अभी अपन देख रहे हैं कि काफ़ी जो है नशे में युवा जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश करेंगे और आगे युवाओं को जोड़ के पार्टी के प्रति अच्छा काम करके लोगों को धर्म से भी जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। आपका नाम और आपका पद? मैं अभिजीत हेमंत ठाकुर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।